दोस्तों, स्वागत है आपको क्रिप्टो साहा की फ्रेश न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्फेयर फाइनेंस से जुड़ी कुछ लेटेस्ट बड़ी अपडेट्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली बड़ी अपडेट ये है, डिस्टोपिया स्टार्ट हुआ है। स्फेयर फाइनेंस ने अपनी एक डेक्स स्टार्ट करी है फॉर डीप लिक्विडिटी, जिसमें कि डीप लिक्विडिटी मिल पाएगी। तो इन्होंने की अपनी है डिस्टोपिया, जहाँ पे यील्ड्स वगैरह भी आप स्वाप करके और स्टेक करके अर्न कर सकते हैं। पेनरोज इसका यील्ड एग्रीगेटर है। एक और टूल क्रिएट किया है जिसका नाम है पेनरोज, जिसमें मार्केट के अंदर ये कहीं ना कहीं यील्ड एग्रीगेटर का काम करेगा। और 15 पार्टनर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है पेनरोज, जिसके अंदर वॉस्क, ऑटोकाम, ऑटरक्लैम, टेटू, गॉची वॉल्ट, एडवेंट फाइनेंस, कोच फॉर्म, क्लाइमर डाउ जैसे नाम जुड़ गए हैं ऑलरेडी। तो ये दो नए बड़े टूल्स और एक डेक्स इन्होंने लॉन्च की है। ये 2.1 लेके आने वाले हैं स्फेयर फाइनेंस का, जो कि स्टार्ट होने वाला है डब्ल्यूमेटिक से मूव करके स्टार्ट कर दिया उन्होंने यूएसडीसी के साथ। पेयरिंग की जो डब्ल्यूमेटिक के साथ रही है आज तक स्फेयर फाइनेंस की, और उससे हो क्या रहा था कि भाई जैसे जैसे मार्केट क्रैश हो रही थी उसी तरीके से डब्ल्यूमेटिक का प्राइस नीचे आता था। और डब्ल्यूमेटिक का प्राइस नीचे आने की वजह से, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी लिक्विडिटी के अंदर एलपी टोकन्स में, डायरेक्टली हमारा डब्ल्यूमेटिक से स्फेयर फाइनेंस के टोकन्स लिंक्ड रहते हैं, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे मार्केट उसकी क्रैश हो रही थी उसका प्राइस गिर रहा था, तो हमारे स्फेयर फाइनेंस के टोकन का भी प्राइस गिर रहा था। और इसी के चलते उन्होंने यूएसडीसी से मूव करना चाहा कि भाई मैटिक से निकल के अब वो यूएसडीसी में जाएंगे। और अभी आगे चल के क्या हुआ है कि यूएसडीसी को भी छोड़ के उन्होंने एक नया कॉइन यूएसडी प्लस, जो कि ओवरनाइट फाइनेंस की तरफ से आता है, उसके ऊपर चले गए हैं। गैलेक्सी मार्केट प्लेस के बारे में पहले से पता है कि ऑलरेडी एक मार्केट प्लेस आ चुका है। क्रॉस चेन परचेजेस स्टार्ट हो चुके हैं स्फेयर फाइनेंस। अगेन हम बीएससी से, स्मार्ट चेन से, इथेरियम से और फैंटम से परचेज कर सकते हैं, तो क्रॉस चेन परचेजेस स्टार्ट हो चुके हैं टेटू स्वॉप को यूज़ करके। देन नेक्स्ट बड़ी अपडेट आती है कि भाई स्फेयर फाइनेंस की अपनी एक ऐप आ चुकी है, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और इस ऐप की मदद से आप इजीली क्रॉस चेन परचेजिंग कर सकते हो। इथेरियम और फैंटम जैसी चेन्स को यूज़ करके भी आप इस पे इस ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो, किसी केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ बिग मूव फ्रॉम स्फेयर फाइनेंस सेइंग दिस कि भाई ये सब चीज़ें दिखती हैं कि भाई स्फेयर फाइनेंस कुछ सॉलिड विद कॉन्क्रीट ग्राउंड पे कुछ काम कर रहा है फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब बात करते हैं, स्फेयर फाइनेंस लेके आया है फोर्स्ड अप्रिसिएशन का फंडामेंटल। अब फोर्स्ड अप्रिसिएशन क्या है इसको ही समझना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल से समझते हैं बिटकॉइन की, ये एग्जांपल्स आ रहे हैं स्फेयर फाइनेंस की तरफ से, तो इसको समझते हैं इस एग्जांपल से कि भाई जो बिटकॉइन है उसकी सप्लाई 21 मिलियन है, ठीक है, 21 मिलियन के कॉइन है बिटकॉइन के, ठीक है। और प्राइस उसका मूव करता जाएगा टाइम के हिसाब से मार्केट कैप बढ़े, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है, तो टाइम जैसे बढ़ता चला जाएगा उसी के साथ उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड हो रखी है, ठीक है। अब उम्मीद कीजिए कि भाई बिटकॉइन की सप्लाई, अब उम्मीद कीजिए कि भाई बिटकॉइन की सप्लाई जो है हाफ हो जाती है, तो उसका आप समझते हैं कि कितना और ज़्यादा प्राइस पंप कर जाएगा। तो बेसिकली हो कह रहा है, आपको समझना होगा कि जब किसी चीज़ का सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस मूव ऊपर होने लगता है, क्योंकि वो मार्केट में कम रहेगा, सप्लाई कम रहेगी तो लोग ज़्यादा हो जाएंगे ऑब्वियसली उसको लेने वाले, और जब ज़्यादा लोग होंगे तो उसके प्राइस को ऊपर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे प्राइस पे लोग उसको खरीदना चाहेंगे। तो सप्लाई का स्कार्स होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी टोकन के लिए। तो वही अब स्फेयर फाइनेंस क्या कर रहा है, स्फेयर फाइनेंस हमेशा लोगों से एक स्टेप आगे चलता है, तो वो क्या करने वाला है, इसी फंडामेंटल के ऊपर काम कर रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से मूव करने का प्लान कर रहे हैं, डिफ्लेशनरी टोकन बनाना चाह रहे हैं उसको। वो कैसे बनेगा उसको इस तरीके समझते हैं कि भाई स्फेयर फाइनेंस का प्राइस अगर ऊपर जाना है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद ही वो मार्केट कैप उसका बढ़ पाएगा। अब एक चीज़ ये होने वाली है कि भाई उसके जो रीबेसिस का सिस्टम है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, वो डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म की बड़ी अपडेट यही है कि भाई स्फेयर फाइनेंस अपने रीबेसिस का सिस्टम स्टॉप करने वाला है 8 जून से। तो आप देख रहे हैं टारगेटिंग जून 8th फॉर रीबेसिस टू स्टॉप, ये डिस्कॉर्ड का स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 8 जून से रीबेसिस स्टॉप हो जाएंगे, और ये स्टॉप करने से क्या होने वाला है कि भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई फिक्स हो जाएगी। अब वो कम कैसे करेंगे, अभी डबल है बिटकॉइन के साथ, ऐसा नहीं था वो कम नहीं हो रहा, बट इसके साथ क्या होगा, डबल काम करेगा, डबल पुश मिलेगा। तो इसी को उन्होंने फोर्स्ड अप्रिसिएशन कहा है कि भाई
एक तो हमने सप्लाई लिमिट कर दी, हो क्या रहा था रीबेसिस में हमेशा नई मनी प्रिंट हो रही थी, नए टोकन्स प्रिंट हो रहे थे और वो आते जा रहे थे मार्केट के अंदर, तो वो क्या होंगे क्लोज हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक एक तरीके से आपने एक तरफ से उसको होल्ड कर दिया जो कि उसको इन्फ्लेशनरी बना रहा था। दूसरा काम ये एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो इनका अपना बायबैक मैकेनिज्म था वो इनका चालू रहेगा और ये जो भी इनकी रिवेन्यूज़ अर्न होते रहते हैं उससे क्या होगा ये क्लियरली उससे बायबैक करते रहेंगे और रेगुलर इंटरवल्स पे उसको बर्न करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा डबल तेज़ी से, एक तो नई सप्लाई नहीं आ रही मार्केट में, वो कैप लग गई है कि वो फिक्स हो गई है, और उस फिक्स सप्लाई में से भी इसको और स्कार्स करते चले जाएंगे नीचे की तरफ और कम होती चली जाएगी। और इनका जो टारगेट है, इन्होंने अपने $1 स्फेयर फाइनेंस का टोकन का प्राइस का रखा हुआ है, जो कि बहुत दूर है मैं कहूँगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं अपने सारी चीज़ों को यूनिक तरीके से, बेटर अपने प्रोजेक्ट को बेटर बना रहे हैं ये, अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स लाइक टाइटेनो फाइनेंस जो कि मेरे को इतना नहीं लगता है, जिसमें मेरे को शुरू से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई स्फेयर फाइनेंस में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे स्फेयर फाइनेंस की टीम पे ट्रस्ट है। रीज़न बीइंग यही सब रीज़न्स हैं कि ये रेगुलरली अपने को इम्प्रूव करते आ रहे हैं और इम्प्रूव करने पर फोकस रखते हैं, और यही रीज़न है कि भाई आज तक ये सर्वाइव कर रहा है, तो फ्यूचर में और बेटर होने के चांसेस हैं। तो पहली चीज़ मैंने बता दी कि रीबेसिस बंद हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा मूव है जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि टोकन्स तो मिल गए हैं, बट अब उसको क्या है उसकी वैल्यू बढ़ाने का टाइम आ चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं कि टोकन्स मिलना है, टोकन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ टू हैव वैल्यू फॉर दोज टोकन्स। तो उनकी वैल्यू कब बनेगी, उनकी वैल्यू इसी तरीके से बनेगी जब ये मैकेनिज्म्स को वो लेके आएंगे, रीबेसिस स्टॉप हो जाएंगे एंड देन बायबैक्स एंड बंड का सिलसिला चार्ज रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है स्फेयर फाइनेंस की तरफ से। और इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है कि भाई जब ये नॉन रीबेस सिस्टम पे आ जाएंगे पूरी तरीके से, जैसे कि यहाँ मेंशन कर दिया है, ये एलिजिबल हो जाते हैं बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए। क्योंकि होता क्या है, इस तरीके के जो डीफाई प्रोजेक्ट्स रहे हैं आज तक वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे क्यों नहीं आ पाए, इसी वजह से नहीं आ पाए क्योंकि भाई ये वहाँ पे क्लियर होता है कि भाई इस तरीके का मैकेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जहाँ पे आप टोकन्स रेगुलरली प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। तो उस चीज़ को ले उनको स्ट्रिक्ट नोनो थी, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और जब ये एलिजिबल हो जाएगा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्फेयर फाइनेंस के लिए। अगर बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तो उसको ह्यूज पंप मिलेगा ऑब्वियसली, एंड इसकी वैल्यू ऑब्वियसली पंप होने के चांसेस रहेंगे। तो फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छे मूव्स हैं। इस फ्लो चार्ट से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, गैलेक्सी मार्केट प्लेस लाए हैं, डिस्टोपिया पेनरोज लेके आए हैं, टैटो फाइनेंस लेके आए थे, क्लास लेके आए हैं, इन सब चीज़ों को लेके ये स्फेयर फाइनेंस को बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। बाय बैक एंड बर्न भी इनका इसी में से जो रिवेन्यू आएगा निकल के बाय बैक एंड बर्न में डालेंगे, क्वांटम लिक्विडिटी में डालेंगे, और वो क्या करेगा सब इवेंचुअली स्फेयर का प्राइस इंक्रीज करेगा। सो दिस इज़ हाउ स्फेयर इज़ प्लानिंग देयर फ्यूचर। अब थोड़ा डिस्टोपिया का बताता हूँ आपको, डिस्टोपिया में क्या होने वाला है, स्फेयर फाइनेंस अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, वो लिक्विडिटी पूल में जाएगा, लिक्विडिटी पूल से क्या होगा एमिशंस होंगे, मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और रिवॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, उन रिवॉर्ड्स को यूज़र अपने वोटिंग पावर में यूज़ कर सकता है कि वापस वोट करेगा लिक्विडिटी पूल में जाके उसके लिए, और उससे क्या होगा अगर वो उसी कॉइन्स को वोट के लिए यूज़ करेगा तो उसको बेटर परसेंटेज यहाँ एमिशंस में मिलना शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या है, बेटर उसको रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर इवेंचुअली उसी को वो यूज़ करके वापस फेयर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से टोटल डिस्टोपिया की एक साइकिल यहाँ पे समझाने की कोशिश गई है। सो आप समझ सकते हैं किस तरीके से डिस्टोपिया से भी स्फेयर फाइनेंस को मदद मिलने वाली है रिवेन्यू जनरेशन में, एंड देन इवेंचुअली यूज़र को रिवॉर्ड करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ख्याल रखिए सपना, कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच, पीस आउट। Peace out.